सुनो मेरी बात, पॉपुलेशन की कहानी सुनो, ठीक है ना। जब हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं तो हम लोग पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री, वो उस कंट्री की क्या होती है? पॉपुलेशन होती है, ठीक है ना। अब जो पॉपुलेशन होती है उसको पढ़ना क्यों जरूरी रहता है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि कुल मिला के जो इंसान है वही क्या कर रहे हैं, सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही सब क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमको पता होना बहुत जरूरी रहता है क्या कि हमारे देश में कितने लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनका नंबर कैसे बढ़ रहा है, उनका नंबर कैसे कम हो रहा है, कितने लोग देश में रह रहे हैं, कितने लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, कौन से रीजन से देश के जहाँ पर लोग ज्यादा रह रहे हैं, कौन से रीजन से देश जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कम लोग रह रहे हैं। इन सबसे क्या पता चलता है कि कौन से इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव रीजन है और यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहाँ है और कहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बोला कि ये सब हमको जब पता करना रहता है, क्या क्या पता करना रहता है कि पॉपुलेशन का साइज क्या है और कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉपुलेशन कौन से कैसे ग्रो हो रही है और पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है, और क्या पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ये सब जानने के लिए, हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है? सेंसस। क्या पढ़ना पड़ता है? सेंसस। सेंसस क्या होता है? ऑफिशियल रेन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन होता है, मतलब ऑफिशियली आप क्या करते हो, गिनते हो, आपकी देश की गवर्नमेंट क्या करती है, गिनती है कितने लोग कहाँ क्या कैसे रह रहे हैं। हमारे यहाँ सेंसस पहली बार कब हुआ था? 1872 में, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? 1881 में, और तब से हर 10th ईयर में क्या होता है? सेंसस होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग सेंसस का डेटा देखेंगे तो हम लोग सारा डेटा यहीं से पहले देख ले रहे हैं। क्यों यहीं से देख ले रहे हैं? सो दैट क्या हो, चलो तो देखो, सेंसस का जो पूरा लेटेस्ट डेटा है वो अपन लोग यहाँ से हाथों हाथ देख लेते हैं, है ना। हमारी पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 कितनी है? 1210 मिलियन है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% है, ठीक है ना। 2000 सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है उसका पॉपुलेशन साइज कितना है? 199 मिलियन है, ठीक है। और सिक्किम जो है उसका पॉपुलेशन सिर्फ कितना है? 0.6 मिलियन। और लक्षद्वीप में कितने लोग रहते हैं? 64,429। राजस्थान एरिया के टर्म्स में क्या है? सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन यहाँ पर इंडिया की सिर्फ 6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रहती है। ये जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है? पाई चार्ट जो है ये क्या दिखा रहा है? हमको पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। इंडिया में 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? 382, ठीक है। और सबसे मोस्ट पॉपुलस डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है कहाँ पर? बिहार में 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ कितने लोग रहते हैं? 17 पीपल रहते हैं, ठीक है। ओवर द ईयर हमारी पॉपुलेशन धीरे 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 क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है, लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। देखो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ओवर द ईयर्स क्या हुआ है? कम ही हुआ है, ये डेकेडल ग्रोथ रेट है ना। ओवर द ईयर्स अर्बन पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ गई है? 17.29% से बढ़ गई है, ठीक है ना। सेक्स रेशियो जो है वो उसका पूरा टेबल देकर रखा हुआ है हमारे यहाँ पर। अब अगर सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो फेवरेबल टू फीमेल्स कहाँ पर है? केरला में। केरला में 1,000 लड़कों पे 1,884 लड़कियां हैं। पॉन्डिचेरी में भी अच्छा फीमेल सेक्स रेशियो है, जहां पर 1,038 फीमेल्स है पर 1,000 मेल्स में। दिल्ली में कम है, दैट इज 866 फीमेल्स पर 1,000 मेल्स, और हरियाणा में 877 फीमेल्स पर 1,000 मेल्स। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट ओवर द इयर्स क्या हो गया? बढ़ के अब कितना हो गया? 17.74%, जिसमें से मेल्स में लिटरेसी कितनी है? आउट ऑफ 182 मेल्स क्या है? लिटरेट है, और 65% फीमेल्स क्या है? लिटरेट है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पहले कितनी थी? 36.7, और अब कितनी हो गई है? 64.7 ईयर्स हो गई है। कहाँ, किसके हिसाब से? 2011 के डेटा के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग आते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे। तो हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को जब हम लोग डिफाइन करने जाते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है?
नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया। अब सुनो, हमारे यहाँ तीन तरह की स्टेट्स हैं, एक जहां पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी, एक जहां पे मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी और एक जहां पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या दिए हुए, रीजन साइड करे हुए हैं कि जहां लो है वहां लो पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है, क्योंकि वहां पे टेरेन क्या है, रग्ड है। रग्ड टेरेन मतलब उबड़ खाबड़ वहां की जमीन है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है और इसलिए वहां पर पॉपुलेशन क्या है, कम है। ठीक है, तो जहां पर लो पॉपुलेशन है वहां पर लो पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि वहां का टेरेन क्या है, रग्ड है और वहां पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है। जहां मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां वो कौन से एरियाज है, जहां पे हिली एरियाज है, डाइसेक्टेड एरियाज है, मतलब रोड टूटे फूटे, पहाड़ टूटे फूटे हैं, है ना, टेरेन रॉकी है, रेनफॉल मॉडरेट टू लो है ना, या फिर बिल्कुल फर्टाइल सॉइल्स नहीं है या कम है। और हाई पॉपुलेशन कहाँ पर है, जहां पर प्लेन्स है, जहां पर सॉइल क्या है, फर्टाइल है और बारिश बहुत ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि रीजंस फॉर लो मीडियम एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हम लोग ये सारे रीजंस क्या कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है या पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रही है। तो हमने कहा तीन प्रोसेसेस रहती है जिससे पॉपुलेशन क्या होती है, चेंज होती है, या तो बर्थ, या तो डेथ, या तो माइग्रेशन। ठीक है, तो बर्थ मतलब क्या होता है, पहली बात हम लोग बर्थ रेट की बात करें तो नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स होते हैं। बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। और ओवर द ईयर हमारे यहाँ देखा है कि हमेशा बर्थ रेट जो होते हैं वो डेथ रेट से क्या होते हैं, ज्यादा ही होते हैं। सेकेंड होता है डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। और ओवर द ईयर, क्योंकि हमारी मेडिकल और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी सी बढ़ गई है, डायग्नोसिस अच्छा हो गया, तो डेथ रेट क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तीसरी चीज जिससे पॉपुलेशन चेंज होता है वो होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। तो माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकता है विद इन द कंट्री और एक्सटर्नल भी हो सकता है, दैट इज बिटवीन टू कंट्रीज। इंटरनल माइग्रेशन से साइज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज नहीं होता, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम लोग इंटरनल माइग्रेशन की बात करें, तो इंटरनल माइग्रेशन जो होता है, इंटरनल माइग्रेशन जो होता है वो जनरली कहाँ से होता है, रूरल टू अर्बन एरियाज। लोग गांव से क्या जाते हैं, शहर में जाते हैं। तो गांव से शहर में लोग क्यों जाते हैं, तो गांव में पुश फैक्टर होते हैं और शहर में पुल फैक्टर होते हैं। यानी कि पुश फैक्टर मतलब गांव आपको धक्के देकर बाहर निकालता है, क्यों, क्योंकि गांव में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, एजुकेशन फैसिलिटीज कम होती है। और शहर में पुल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि शहर इन्हीं वजहों से आपको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। कौन सी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर इनकम्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर्स होते हैं। अब जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो दो तरीके से बढ़ती है, मतलब पुराने साल में कितनी थी और इस साल कितनी है, तो इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब आज अगर हम लोग 2024 में खड़े हैं तो 2024 की पॉपुलेशन माइनस 2023 की पॉपुलेशन मुझे क्या दे देगा, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ दे देगा। अगर मुझे रिलेटिव या परसेंटेज निकालना है या ग्रोथ रेट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन इन 2023 माइनस पॉपुलेशन इन 2022 अपॉन में पॉपुलेशन इन 2022 इंटू 100, तो वो हमारा काय में निकल जाएगा, परसेंटेज में निकल जाएगा। क्लियर। फिर कहानी आती है एज कंपोजिशन की। एज कंपोजिशन मतलब आपकी पॉपुलेशन में किस एज ग्रुप में, अलग अलग एज ग्रुप्स में कितने कितने कौन कौन लोग हैं। तो इस हिसाब से हमने क्या करा है, तीन ग्रुप्स में पॉपुलेशन को बांटा है। सबसे पहला चिल्ड्रन। चिल्ड्रन किनको मानते हैं हम लोग, जनरली बिलो 15 ईयर्स, ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि अपने आप पैसे नहीं कमा पाते, इनको फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर सब कुछ देना पड़ता है। दूसरा होता है वर्किंग एज, यानी कि 15 से 59 ईयर्स, जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं, ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होती है। और तीसरे होते हैं एजेड, जो कि क्या होते हैं, अबव 59 ईयर्स, ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिव हो भी सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग रिटायर्ड मानते हैं, यानी कि ये रिक्रूटमेंट के थ्रू, मतलब आप इनको नौकरी दे सकते हैं, ये अपने हिसाब से वॉलेंटरीली काम कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस चला रहे हैं, तो अलग बात है। अब हम लोग कहते हैं कि अगर आपके देश में बच्चे और एजेड ज्यादा हैं, तो आपके देश में डिपेंडेंट पॉपुलेशन हाई है, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन हाई नहीं होनी चाहिए, हमेशा कौन सी होनी चाहिए, कम, वर्किंग पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर।
तो ये जो एज कंपोजिशन होता है डेमोग्राफी में, ये आपकी देश के डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ बताता है। नेक्स्ट आता है क्या, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है कि आपके यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे या लिटरेट मतलब क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि एज पर सेंसस ऑफ 2000 हर बंदा जो 7 साल या उससे ज्यादा है और वो किसी भी क्या कर सकता है, लैंग्वेज में रीड कर सकता है या राइट कर सकता है विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2001 अ पर्सन एजेड 7 ईयर्स और अबव हु कैन रीड और राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। बस आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको क्या मान लेंगे, लिटरेट मान लेंगे। आ रही है बात समझ में। तो हमारे यहाँ ओवर द इयर्स लिटरेसी रेट इंप्रूव भी हुए हैं और मेल्स में ज्यादा है इन कंपेरिजन टू फीमेल्स। फिर आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये क्या बताता है, ये एक इंडिकेटर होता है इक्वालिटी का। हमारे यहाँ देखा गया है कि मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए जो सेक्स रेशियो रहता है वो फीमेल्स के लिए क्या रहता है, अनफेवरेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब आपके पास जो एक्टिव लोग हैं मतलब वर्किंग एज है वो किन किन ऑक्यूपेशन में क्या है, इंगेज्ड है। तो हमने कहा 3 तरह के ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं, या तो प्राइमरी, या तो सेकेंडरी, या तो टर्शरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, जो नेचर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस से, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरे होते हैं सेकेंडरी, जिसमें आप क्या करते हो, या तो प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो। तीसरी होती है टर्शियरी एक्टिविटीज, यानी कि सारी की सारी सर्विस सेक्टर वाली एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। अब जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनमें ज्यादातर लोग कायम एंगेज रहते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में, और डेवलपिंग में जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, प्राइमरी में। तो जैसे जैसे आपका देश की पॉपुलेशन का प्रपोर्शन सेकेंडरी और टर्शियरी में शिफ्ट होता जाएगा, वैसे वैसे आपके देश की डेवलपमेंटल लेवल्स की डेवलपमेंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज होती है, अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि पॉपुलेशन कैसी हो, हेल्दी। अब ओवर द इयर्स हमारे यहाँ अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आए हैं जिन्होंने देखा है कि इंडियन पॉपुलेशन में हेल्थ स्टेटस क्या हो गए, बहुत इंप्रूव हो गए। तो बोला क्या प्रूफ है कि इंप्रूव हो गए, तो हमने बोला देखो डेथ रेट जो पहले कितने थे 25 पर 1000 से, ये रिड्यूस होके कितने हो गए, 8.1 पर 1000 हो गए। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 36.7, अब कितनी हो गई, 64.6। ये सब क्यों आया, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो रही है, इंफेक्शियस डिजीजेस बढ़ रही है, हम मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं डायग्नोसिस में, और अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी क्या हो सकता है, हम और भी कुछ कर सकते हैं जिससे पॉपुलेशन की हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो क्या नहीं हो रहा है अभी तक, तो हमने कहा देखो अभी पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन कम है, मतलब अभी भूखे लोग बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, वो बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, उनके पास मैल न्यूट्रिशन है, मतलब किसी के अंदर प्रोटीन की कमी है, किसी के अंदर विटामिन की कमी है, किसी के अंदर कैल्शियम लेवल्स, हर अलग अलग चीजों की कमी है, मिनरल्स की। सेफ डिफरेंट ड्रिंकिंग वाटर अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन को अवेलेबल नहीं है, और बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज भी अभी बहुत जगह पर अवेलेबल नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अडोलेसेंट पॉपुलेशन। अडोलेसेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है, वो एज ग्रुप जो 10 to 19 ईयर्स में होता है। ये हमारे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, बिकॉज आगे चल के हमारे देश का फ्यूचर इन्हीं लोगों को बनाना है। तो उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती है, और अगर उनको हमने इस एज में 10 to 19 में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया तो उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। जैसे इंडिया में बहुत सारी एडोलेसेंट गर्ल्स कैसे सफर करती है, अनेमिया से। अनेमिया मतलब क्या होता है, खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स को क्या करें, एड्रेस करें, उनको बताएं कि वो क्या हो सकते हैं, अनेमिक हो सकते हैं, और अवेयरनेस और लिटरेसी उनके अंदर बीच में फैलाएं, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान रख के गवर्नमेंट ने क्या निकालती, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी निकालती अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952। तो उन्होंने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड प्लान करेंगे ऑन वॉलेंट्री बेसिस, ताकि पॉपुलेशन क्या हो जाए, कंट्रोल भी हो जाए। और इसी के इंटरनेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000,
जिसने बोला कि हम लोग बच्चों को क्या करेंगे, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स, है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 30 पर 1,000 से कम करेंगे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मतलब बच्चों को जितनी भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस है वो सब चीजों की वैक्सीन फ्री में लगाएंगे ताकि कोई भी बच्चा क्या नहीं हो कम्युनिटी इस तरह की डिजीजेस से सफर ना करें, और बोला लड़कियों की मैरिज डिले कर देंगे और फैमिली प्लानिंग को या फैमिली वेम्पेयर को एक वेलफेयर को एक पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाएंगे एनपीपी में स्पेशली एडोलेसेंट, एडोलेसेंट मतलब तुम जैसे बच्चे 10 से 19 साल के बच्चों को बहुत ज्यादा अटेंशन देने की बात करी है क्योंकि तुम्हारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ज्यादा होती है और चीजों को लेके अवेयरनेस क्या होती है कम होती है। तो उन्होंने बोला क्या हम इनको बताएंगे अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैसे रोकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कैसे रोकते हैं, डिलेड मैरिज के क्या क्या फायदे होते हैं, बच्चा लेट पैदा करने के क्या क्या फायदे होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज अवेलेबल है, उनको अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशनल सर्विसेज देंगे और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए लीगल मेजर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे क्योंकि हमें लगता है कि एक वेल एजुकेटेड और एक हेल्दी पॉपुलेशन ही एक देश के लिए क्या होती है सबसे बड़ा एसेट होती है। इज दैट क्लियर? बोलो कोई परेशानी? विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर।